हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों पार्ट थ्री आ गया, पीएनसी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम पीएनसी की, मतलब एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसके अंदर परमोटेशन भी लगेगा, साथ में कॉम्बिनेशन भी लगेगा, दोनों चीजें एक साथ अटैक करेंगी। इसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होंगे, इसके अंदर बहुत सारे बढ़िया न्यूमेरिकल जो एक्स्ट्रा हैं, जो बिल्कुल 100% एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। एटलीस्ट और एटमोस्ट का एक कॉन्सेप्ट आएगा और मिसलेनियस की प्रॉब्लम्स होंगी। ऑलराइट, इस वाली वीडियो में से ना आपके एग्जाम में बहुत कुछ आने वाला है, श्योरली 100%। जितनी भी वीडियोस हैं, हर वीडियो में एनसीईआरटी तो मैं रखता ही हूं, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा भी रखता हूं। स्टार्ट कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ओके। तो देखो जी, स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बात आती है मिक्स्ड प्रॉब्लम, मतलब ऐसे सवाल जिसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों हो। तो पहले आप इसका समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, ओके। कॉन्सेप्ट एक बार जान लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको ये फॉर्मूला मालूम है एनसीआर? क्या फॉर्मूला होता है ये? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, मालूम है आपको? ये बात मालूम है कि अगर चार बॉक्स हैं, एक दो तीन, एक दो तीन चार, और आपके पास चार लेटर हैं, चार ही जगह हैं, और आपके पास फोर लेटर हैं, यू नीड टू अरेंज, आपको ये अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। तो इस जगह को भरने के ऑप्शन चार, इसे भरने के ऑप्शन, इसे भरने के ऑप्शन, इसे भरने के ऑप्शन, टोटल चार फैक्टोरियल। आगे समझ, बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं। देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है सिलेक्शन का, ये वाला पार्ट है सिलेक्शन का, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है अरेंजमेंट का, ठीक है बेटा। पहला वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहा है, बाद वाला पार्ट अरेंज कर रहा है, ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा है। तो अब जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, हर सवाल में पहले सिलेक्शन लगेगा, बाद में अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि आपके पास 10 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 5 ब्लू बॉल है, ये आपके पास है 10 रेड बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। ऑलराइट, मैं बोल रहा हूं कि आपको ना 10 में से सिर्फ 2 रेड बॉल और 5 में से सिर्फ 3 ब्लैक बॉल निकालनी है और एक लाइन के अंदर रखनी है, वो एक लाइन के अंदर, 2 और 3 5 हो गए, 1 2 3 4 5, समझना। अगर ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई तो सारे न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे, बेसिक है। और मैं हमेशा बेसिक समझाने में टाइम ज्यादा लगाता हूं, मेरा मानना यह है कि फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल यूं होते चले जाएंगे, बेसिक हमेशा सेम रहता है, न्यूमेरिकल नए नए आते रहते हैं, तो बेसिक को स्ट्रांग कर लो, ठीक है, समझना। मैं बोल रहा हूं 10 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 10 में से आपको सिर्फ 2 रेड बॉल निकालनी है, 5 में से आपको सिर्फ 3 ब्लैक बॉल निकालनी है, और आपके हाथ में टोटल बॉल 5 आ गई। 5 बॉल को एक रो में अरेंज करना है, एक रो में अरेंज करना है। लास्ट वीडियो में ऐसा एक सवाल हो चुका है, लेकिन उसके अंदर सारी की सारी अरेंज होनी थी, इसके अंदर स्पेसिफिक है, इतने में से इतना, इतने में से इतना, ठीक है। तो देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सिलेक्शन का है, ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहा है और ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा है, क्या कर रहा है? अब देखना इसका आंसर, इसका देखो आंसर ये आने वाला है, ध्यान से देखो। 10 में से कोई सी भी 2 रेड बॉल आ जाए, टोटल रेड बॉल 10 है, 10 में से कोई सी भी 2 आ जाए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 में से 3 आ जाए, ये देखो ये वाला पार्ट सिलेक्शन का है, आपके हाथ में 5 बॉल आ चुकी हैं, आपके हाथ में टोटल 5 बॉल आ चुकी हैं, उन 5 बॉल को अरेंज करो इसके अंदर, 5 बॉल को अरेंज करो इसके अंदर। कैसे करते हैं अरेंज, मालूम है ना? 1 2 3 4 5 जितनी जगह है उतना फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में रिपीटेड, अपॉन में 2 रेड बॉल है तो 2 फैक्टोरियल, 3 ब्लैक बॉल है तो 3 फैक्टोरियल। देखो ये पूरा आंसर होगा इस वाले न्यूमेरिकल का, जो मैंने अभी बातों बातों में बनाया है, ओके। ये वाला पार्ट सिलेक्शन का है, ये वाला पार्ट अरेंजमेंट का है, ये पार्ट कॉम्बिनेशन, ये पार्ट परमोटेशन, ओके। अब ज्यादा समझने के लिए न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं, ज्यादा समझने के लिए न्यूमेरिकल पे बढ़ जाए आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल, आई रिपीट, सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट में परमुटेशन। सिलेक्शन क्या बोलता है? ज्यादा चीजों में से कम चीजें निकालना, सिलेक्शन,
और अरेंजमेंट चीजों को जंबल करना, चीजों को जंबल करना, ये यहां वो यहां, ये यहां वो यहां, जगह बदल बदल के, ठीक है। फैन ऑन, फैन कर दो होने वाले, सबसे ऊपर टॉप। देखो सवाल न्यूमेरिकल, ध्यान देना बेटा। ये बोल रहा है एक, ये बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, वर्ड बनाने विद और विदाउट मीनिंग, ईच ऑफ टू वोवेल एंड थ्री कॉन्सोनेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ दो वोवेल लेने और तीन कॉन्सोनेंट ले लें, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, और वो वर्ड इससे बनेगा, डॉटर से। यानी डॉटर के अंदर अगर मैं देखूं तो ए यू ई तीन वोवेल्स हैं और डी जी एच टी आर पांच कॉन्सोनेंट है। वोवेल तीन है, कॉन्सोनेंट पांच है, तीन में से मुझे सिर्फ दो उठाने हैं। सवाल ने बोला हुआ है, सवाल ने बोला हुआ है कि आपको वर्ड बनाना है, लेकिन उसके अंदर यू नीड टू यूज ओनली टू वोवेल्स। वोवेल्स मेरे पास तीन है, मुझे उठाने सिर्फ दो है। कॉन्सोनेंट मेरे पास पांच है, मुझे उठाने सिर्फ तीन है, सवाल ने बोला हुआ है। उठाने के बाद मेरे हाथ में कितने लेटर आ जाएंगे, जरा ये बता दो। पांच लेटर, क्योंकि दो तो ये आ गए, तीन ये, मेरे हाथ में पांच लेटर का सेट हो गया। वो पांच लेटर मुझे जंबल करना है, क्या करना है, जंबल करना है, ये वहां वो यहां जगह बदल बदल के। तो देखो पांच लेटर है तो पांच ब्लॉक बना दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, आया समझ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो स्टेटस है देखो, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज क्या है, सेलेक्ट हो रहा है यहां पर, यानी एनसीआर लगेगा, क्या लगेगा NCR। और ये क्या चीज है देखो, ये वाली चीज, ये जो ब्लॉक वाली चीज है, ये क्या है, अरेंज हो रहा है, अरेंज, ये क्या हो रहा है बेटा, अरेंज। यहां क्या लगेगा, परमुटेशन, क्या लगेगा यहां, परमुटेशन, अरेंजमेंट। पहले तो मुझे इतनी बात बता दो, बात पकड़ में आई या मैं दोबारा बता दूं, दिल से बताओ एकदम, आगे समझ में। ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन, ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट। दोनों चीजें आपस में आएंगी तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में, दोनों चीजें साथ में रहेंगी तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन जब जब आता है जब केस कंप्लीट ना हो, अगर केस कंप्लीट हो जाएगा तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन जब तक केस कंप्लीट नहीं होता, जब तक पूरा रिजल्ट बन नहीं जाता, बीच में मल्टीप्लाई आते रहेंगे। क्योंकि देखो यहां क्या हो रहा है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, तो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट होगा, जब ही तो ओवरऑल केस कंप्लीट होगा, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा। बॉक्स आ गए आपको बनाने, एग्जाम में ऐसे बना के आ जाना, कोई दिक्कत वाली वो नहीं है बात, ये मत लिखना बस ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। लो जी मेरा आंसर आने वाला है, मैं यहां पे लिखूंगा टोटल वर्ड्स, कितने वर्ड्स बन जाएंगे भाई, तीन में से दो सेलेक्ट हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है, पांच में से तीन सेलेक्ट हो रहे हैं बेटा, कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है, लग गया। एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, जगह कितनी है, एक दो तीन चार पांच, पांच जगह है तो पांच फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेड, कोई रिपीटेड है ही नहीं, ए यू ई में कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसमें भी कोई रिपीट, अगर मान लो ए यहां पे दो बार आ रहा होता तो अपॉन में दो फैक्टोरियल, अगर मान लो यहां पे जी तीन बार आ रहा होता अपॉन में तीन फैक्टोरियल। भाई रिपीट तो जब ही आएगा जब रिपीट हो रहा होगा। एवरीबडी इन द हाउस, कम ऑन वंस मोर, बहुत बढ़िया, आ गया समझ। अब आई थिंक इसको आपको सॉल्व करना आता है, आता है ना इसको, कैसे करते हैं, थ्री सी टू का देखो शॉर्टकट है, इसका आंसर सीधा थ्री लिख रहा हूं मैं, याद करो मैंने तुम्हें बताया था ना, एन सी एन माइनस आर, इसका शॉर्टकट एन होता है, तो शॉर्टकट अगर आपको याद रहेंगे तो फॉर्मूला लगाने से बचोगे। तो थ्री सी टू का शॉर्टकट थ्री हो गया, और फाइव सी थ्री का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो लॉन्ग मेथड से खोलो, फाइव फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, पांच में से तीन गया दो फैक्टोरियल, और ये पांच फैक्टोरियल रहेगा ऐसे। आई थिंक अब ये क्वेश्चन सी वाई एस में जा सकता है, कंप्लीट यूर सेल्फ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज, इससे पहले दो वीडियो बन चुकी है, पहले आप उन्हें देखो फिर इसके ऊपर आओ, इसके अंदर थोड़ा सा लेवल हाई रखा हुआ है, थोड़ा सा लेवल हाई। बताओ बात समझ में आ गई, yes, यार मजा सा नहीं आ रहा, दिल से बता दो एक बार, पक्की yes, बात। कैसे करोगे, पहचान क्या है, ज्यादा चीजें होंगी, कम चीजें निकालनी होंगी, निकल के वो चीजें हाथ में आ जाएंगी, हाथ में आने के बाद वो चीजें अरेंज भी होंगी। तो ये क्या था, सिलेक्शन, ये क्या था, अरेंजमेंट, एक ही सवाल में कॉम्बिनेशन लगा, एक ही सवाल में परमुटेशन लगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखो जी ये रहा सवाल, ये आप खुद करना जल्दी जल्दी, चलो मैं कर देता हूं, बताना जरा क्या सवाल है, वर्ड क्या है, इनवॉल्यूट, वोवेल्स कौन कौन है, आई ओ यू ई चार वोवेल है, कॉन्सोनेंट एन एल
टी बस वी भी रह गया वी, चार ये हो गए ठीक है। वॉवेल चार है, कॉन्सोनेंट भी चार है। ये बोल रहा है तीन वॉवेल उठाने हैं, इसमें से कोई तीन उठा लो। ये बोल रहा है दो कॉन्सोनेंट, इसमें से केवल दो उठा लो। ब्लॉक कितने का बनेगा? पांच लेटर का, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच ठीक है। देखो अगर आप आंसर शीट में ये चीज बना लोगे ना तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, गलती होगी नहीं। बताओ जी पहले अरेंज करूं या पहले सिलेक्ट करूं? कैसे करोगे सिलेक्ट? 4C3 इनटू में 4C2 इनटू में दो और तीन पांच, पांच फैक्टोरियल। कोई रिपीट नहीं हो रहा, हो रहा होता तो अपॉन में आ जाता और सवाल सॉल्व हो जाए। आ गया भाई? Yes, आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लो जी, एक और आ गया सवाल। इसमें देखो जर्नल बात बोली हुई है, ये बोल रहा है इंग्लिश के अंदर पांच वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये तो बात हमें मालूम है ऑलरेडी या कोई नई बात बताई है? ये बात हम लोगों को मालूम है कि वॉवेल सिर्फ पांच होते हैं, कॉन्सोनेंट सिर्फ 21 होते हैं। तो लिख लो यहां पे वॉवेल, वॉवेल्स हमारे पास पांच है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 है। ये बोल रहा है कि भैया आपको टू डिफरेंट वॉवेल उठाने, टू डिफरेंट, पांच में से कोई से दो उठा लो। ये बोल रहा है टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 21 में से कोई से भी दो उठा लो, सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक बना दूं? कितने लेटर का? पांच का, चार का, पीछे से आवाज आ रही थी पांच, एक दो तीन, एक दो तीन चार ठीक है। सिलेक्शन अरेंजमेंट बताओगे जरा? सारे बोलो क्या लिखूं? अगला, अगला 5 factorial 4 factorial आएगा, 5 नहीं आएगा। हो जाएगा सॉल्व? सॉल्व कर लेना, कंप्लीट योर सेल्फ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। चलो स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया वो कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया। कोई सवाल अलग से घुमा फिरा के आ जाएगा तो कर दोगे? देखो दुनिया के सारे सवाल तो मैं बता नहीं सकता वीडियो में, क्या सिखा सकता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट? अब मैंने तीन सवाल बता दिया आपको, आई थिंक आप बात हो जाएगी। नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका नाम है एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट। देखो बेटा अगर कहीं पर एटलीस्ट लिखा हो या लिखा हो मिनिमम, क्या लिखा हो? मिनिमम, या लिखा हो नॉट मोर देन, नॉट मोर देन ठीक है। तो सिंबल इसमें ऐसा आता है, ऐसा सिंबल इसमें ऐसा आता है एटमोस्ट में। जैसे एक्स टू, क्या मतलब है इसका? एटलीस्ट टू, कम से कम दो ले लो। तो x की वैल्यू दो हो सकती है और दो से बड़ी। यहां भी देखो मिनिमम दो ले लो, तो मिनिमम के बारे में तो बता रखा है दो ले लो, मिनिमम दो, मैक्सिमम के बारे में नहीं बताया, तो दो ले लो या दो से ज्यादा। नॉट मोर देन, नॉट मोर देन नहीं आएगा, नॉट लेस देन आएगा, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन ठीक है, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। जैसे मैं तुमसे ये बोलूं कि भैया नॉट लेस देन टू, दो से कम मत लेना, तो क्या मतलब है इसका? या तो दो ले लो या दो से ज्यादा। तो एटलीस्ट में हमेशा ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक, ऊपर तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे 10 चॉकलेट रख दी और मैं आपसे ये बोलूं कि टेक एटलीस्ट 3, टेक एटलीस्ट 3 क्या मतलब है? कम से कम 3 ले लो। तो आपके पास क्या चॉइसेस हैं? या तो आप 3 लोगे, 4 5 6 कितनी ले सकते हो? 10 तक। तो ऊपर तक जाते हैं, एन तक। कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगाओ ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे समझ? तो एटलीस्ट में जितना बोलता है, जितना बोला होता है उतना तो लेना ही है, और उससे ऊपर 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 टोटल एन तक जाना है, जितने नंबर थे। जैसे 10 चॉकलेट है 10 तक जाओ, 20 चॉकलेट है 20 तक जाओ। अब आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट को बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम भी बोलते हैं इसे, या नॉट मोर देन, इसे नॉट मोर देन भी बोलते हैं। मैंने गलती से यहां लिख दिया था, इसका सिंबल ये वाला होता है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे 10 चॉकलेट रखी हुई है, टेक एटमोस्ट 2, टेक एटमोस्ट 2 क्या मतलब है? अधिक से अधिक दो ले लो, अधिक से अधिक दो ले लो, या तो दो लोगे या एक, या एक भी नहीं, है ना? तीन ले सकते हो? नहीं। रीजन इंस्ट्रक्शंस हैं कि एटमोस्ट 2 ले सकते हो। तो एटमोस्ट में जितना वर्ड बोला होता है उतना तो लेते ही लेते हैं हम। जैसे मैंने दो बोला यहां पर, एटमोस्ट 2, तो या तो दो ले लो या एक ले लो या जीरो ले लो ठीक है। तो एटमोस्ट में हमेशा ये पॉलिसी होती है, जीरो तक जाना है, नीचे गिरना है और जीरो तक जाना है, औकात पे आ जाना है।
कहां पे आ जाना है? औकात पे। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद न्यूमेरिकल इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो जी ये न्यूमेरिकल है आपके सामने, समझना इनको जरा। ये बोल रहा है कमेटी बनानी है सात लोगों की, सात लोगों की कोई कमेटी फॉर्म करनी है, कमेटी मान लो, टीम मान लो, है ना, एक ग्रुप मान लो, कुछ भी है, उसके अंदर सात लोग होने चाहिए एज पर द क्वेश्चन। ये बोलता है हमारे पास टोटल 9 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। तो भाई बॉयज कितने हैं बच्चों? बॉयज हमारे पास 9 है और गर्ल्स कितनी है हमारे पास? गर्ल्स हमारे पास है 4, ठीक है। इनमें से उठा उठा के हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, वी नीड टू फॉर्म 7-person कमेटी। अब कैसे कैसे, कितने तो लड़के होंगे, कितनी तो लड़कियां होंगी, ये बात आपको सारी यहां पर दी हुई है। अपनी मनमर्जी से काम नहीं करना। चलो जी कमेटी बनाते हैं। पहला केस क्या कहता है? कमेटी के अंदर एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए, कमेटी के अंदर एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए। ये बता दो सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है? सिलेक्शन, ज्यादा लोगों में से कम लोग उठाए जा रहे हैं, सिलेक्शन है। अरेंजमेंट तो वहां होता है ना जब वर्ड बनना हो, कोई वर्ड बनाना है, कोई नंबर बनाना है, वहां अरेंजमेंट है। सिटिंग प्लान करनी है ना, वो अरेंजमेंट है। ये तो सिलेक्शन है। तो भाई देखो इसने ये कहा है कि 3 लड़कियां टीम के अंदर मस्ट है, तो लड़की है कितनी हमारे पास? 4। तो भाई 4 में से कोई सी 3 लड़की आ जाओ, ठीक है। क्या टीम बन चुकी है? 4 में से कोई सी 3 लड़की आ जाओ। क्या टीम बन गई है? कोई कमी है इसके अंदर? क्या कमी है? बॉयज रह गए। तो एंड लगाओ, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब ध्यान रखना है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, याद रखोगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। चलो 3 लड़कियां भी आई हैं और बंदे चाहिए हमें 7, 4 लड़के और चाहिए ना, फिर लड़के हमारे पास है कितने? 9, 9 में से 4 ले लो बॉयज। और देखो सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका आंसर है, सॉल्व तो हो ही जाएगा या नहीं होगा? सॉल्व सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर देखो 2 क्या कहता है? ये बोलता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। क्या इसने एग्जैक्ट आंसर दिया है या थोड़ा घुमा फिरा के दिया है? घुमा फिरा के, यानी यहां पर टीम अलग अलग बन सकती है। अब ध्यान रखना एंड, एंड का मतलब तो होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, ठीक है। जहां पर टीम पूरी हो जाएगी और दूसरा कोई केस होगा तो प्लस आएगा, और इन बिटवीन हमेशा मल्टीप्लाई आएगा। कैसे आएगा देख लो एक बार। ये बोलता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, तो यार 3 गर्ल्स हो गई तो बॉयज 4 होंगे। देखो टीम बन चुकी 7 लोगों की, बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई, नहीं बनी टीम। गर्ल्स 3 बॉयज 4, टीम पूरी बन चुकी है ना, या तो ऐसा हुआ होगा। एटलीस्ट है, एटलीस्ट में 3 लड़कियां तो 3 से ऊपर भी हो सकती हैं, या फिर या का मतलब प्लस, प्लस आ गया। देखो पहली बार सवाल आया प्लस वाला, फर्स्ट टाइम आया ना अब तक, प्लस आ गया। हो सकता है 4 लड़कियां हो तो फिर बॉयज कितने होंगे? 3 बॉयज होंगे। देखो एक टीम और बन गई, या तो टीम ऐसे बनी होगी कमेटी, या तो फिर ऐसे बनी होगी कमेटी, यस और नो? और बढ़ाऊं 5 लड़कियां हो सकती थी लेकिन इसमें अवेलेबल ही नहीं है, लड़कियां सिर्फ 4 है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म, आया समझ? चलो 3 लड़कियां 4 है भाई, 4 में से 3, एंड का मतलब ये 9 में से 4, प्लस आएगा यहां पर। 4 में से 4 और बॉयज कितने हैं? 9 में से 3। सॉल्व तो हो ही जाएगा, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट लगाए रखना, गलती नहीं होगी, कर दोगे। अगला केस पे आते हैं। अगला केस क्या कहता है? अगला केस ये बोल रहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब या तो 3 लड़कियां होंगी कमेटी के अंदर, या 2 लड़कियां, या 1 लड़की, या 1 भी नहीं। एटमोस्ट में औकात तक, 0 तक। आओ जरा कैसे करूं, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, टीम बन गई देखो 7 लोगों की कमेटी, या फिर या का मतलब प्लस आता है। ये समझ में आ रहा तुम्हें? प्लस कब आएगा, मल्टीप्लाई कब आएगा? कब आएगा प्लस? जब टीम पूरी हो जाए और कोई और ऑप्शन हो, और मल्टीप्लाई बीच में जब तक टीम हाँ कंप्लीट ना हो जाए। आगे बढ़ो, 2 लड़कियां होंगी तो 5 बॉयज हो जाएंगे, या फिर 1 गर्ल अगर हुई तो 6 बॉयज हो जाएंगे, या फिर 7 बॉयज। 0 को तो लिखने का कोई बेनिफिट है,
इंप्लीमेंटेशन बनाना जरा कैसे बनेगी। थ्री गर्ल्स, फोर सी थ्री, क्योंकि गर्ल्स मेरे पास कितनी है चार, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, नाइन सी फोर, नाइन सी फोर, देखो सेवन हो गया टोटल, बॉयज मेरे पास नाइन है, नाइन में से कोई से भी फोर आ जाएंगे। यहां करो जरा फोर सी टू, इसके बाद नाइन सी फाइव, फाइव है ये, ठीक है। यहां करो फिर फोर सी वन, इसके बाद नाइन सी सिक्स, प्लस यहां करो फिर सेवन है, बोलना जरा नाइन सी सेवन, और सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। मेरा मकसद है आपको लॉजिक बताना, लॉजिक बताना। क्या मकसद है मेरा? लॉजिक बताना। कर दोगे? टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लो जी, एक क्वेश्चन और आ गया, एग्जाम में आता रहता है ये वाला सवाल, सारे एग्जाम में आते हैं, इस वीडियो में से सारे सवाल एग्जाम में आते हैं अलग अलग स्कूलों में। सवाल देखना, ये बोल रहा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, क्वेश्चन पेपर उसके अंदर 12 सवाल हैं, कितने सवाल हैं 12, डिवाइड हो रहा है, क्या है वो दो पार्ट में होता ना एग्जाम में, सेक्शन ए सेक्शन बी, ये इतने नंबर का है, ये इतने नंबर का है, उस तरह से दो पार्ट हैं इसके, एक है पार्ट वन और एक है पार्ट टू, दो पार्ट हैं इसके, ओके। एक के अंदर पांच क्वेश्चन है टोटल और एक पार्ट के अंदर सात क्वेश्चन है, देखो पांच सात 12 हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8, एक बच्चे को 5 7 12 है, 12 में से केवल 8 करना है, होता ना एग्जाम के अंदर कुछ चॉइस होती है, 12 सवाल है इसमें सिर्फ 8 करना है, कोई से भी 8 नहीं, कंडीशन इसने आपको दी हुई है, पढ़ लो। ये बोल रहा है एटलीस्ट 3 करने हैं फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी यहां से एटलीस्ट 3 करने हैं, एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन करने ही करने हैं, यहां से भी कितने करने हैं बताना जरा, एटलीस्ट 3 करने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसके आप 7 कर दो और इसका आप 1 कर दो, 7 और 1 8 हो गए, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या कंडीशन है, एटलीस्ट 3 करने ही करने। तो अब देखो जी, तो टोटल वेज हमसे यहां पूछ रहा है, बताओ अरेंजमेंट है कि सिलेक्शन है, सिलेक्शन है। टोटल वेज देखो जी ऐसे होंगे, अगर मैंने इसमें से 3 कर दिए, इसमें से मैंने 3 कर दिए, तो इसमें से मैं 5 करूंगा, यस और नो, देखो मेरे 8 क्वेश्चन तैयार हो गए, या फिर प्लस, या फिर, या का मतलब प्लस, अगर मैं इसमें से 4 कर दूं, 4 क्यों, क्योंकि एटलीस्ट में हमेशा ऊपर 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 बढ़ते हैं, तो इसमें से फिर मैं 7 में से 4 ही करूंगा, देखो 8 हो गए, या फिर इसमें से अगर मैं 5 कर दूं तो उसमें से मैं 3 करूंगा, है ना, 3 करूंगा, लिखा भी हुआ है इसने 3 तो करने ही करने, या फिर और आगे केस नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, 5 ही 5 हो गए पूरे, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, सॉल्व हो के आंसर। तो ये सवाल था, इसे कंप्लीट योर सेल्फ आंसर निकाल लेना, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और आ गया देखो सवाल, ये बोल रहा है ग्रुप है कोई कंसिस्ट 4 गर्ल्स 7 बॉयज, ठीक है, बॉयज कितने हैं बच्चों 7, गर्ल्स कितनी है बच्चों, गर्ल्स हैं 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर, इसमें से हमें 5 लोगों की टीम बनानी है, छोड़ दो इसे, हो जाएगा ना एटलीस्ट एटमोस्ट, वही बोला हुआ है, कर लोगे, ठीक है, कर लेना इसे, कमेंट करना इसका आंसर, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल आ गया कार्ड के बारे में, थोड़ा पहले जान लो कार्ड के बारे में, जानते हो आप कार्ड्स होते हैं इस तरह से, टोटल कितने होते हैं 52, 26 रेड होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं 26 ही होते हैं, ये 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 ये, ये कितने होते हैं 13, 13, 13 और 13, ये वाले डायमंड होता है इसमें एक और एक हार्ट होता है, इसके अंदर स्पेड होता है और क्लब होता है, शेप अगर मैं कुछ बनाऊं तो शायद ऐसी होती है, इसकी शायद ऐसी होती है, इसकी शायद ऐसी होती है, उल्टी बना दी ना मैंने, और इसकी शायद ऐसी होती है, चलो समझ गए ना, 13 13 13 13 हो गए। अब देखो 4 किंग होते हैं इसके अंदर, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, क्वीन कितनी होती है, क्वीन भी इसके अंदर 4 होती है, जैक कितने होते हैं, जैक जैक भी इसके अंदर 4 होते हैं, और एस कितने होते हैं, एस, ये फेस कार्ड है सारे, ये सारे फेस कार्ड हैं, 12 होते हैं, एस कितने होते हैं, एस वो भी 4 होते हैं, एस का मतलब इक्का, एक नंबर, 2 कितने होते हैं, 2 जिसमें 2 लिखा होता है 4, 3 कितने होते हैं, 4, हर पत्ता 4 4 बार होता है,
ठीक है, इसका नंबर 11वां होता है जैक का, प्रिंट नहीं होता लेकिन बाय डिफॉल्ट, इसका नंबर 12वां, इसका नंबर 13वां, ध्यान रखना है इसको। न्यूमेरिकल देखो जी, ये बोलता है नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स, चार कार्ड निकालने हैं हमें, कितने कार्ड निकालने हैं, चार कार्ड, कितने में से 52 में से, ठीक है। पहला केस, फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट, इन्हें बोलते हैं सूट, ये जो चीज है ना, ये आपका सूट है, हर सूट में 13 पत्ते, हर सूट में 13 पत्ते, ये बोल रहा है चार पत्ते सेम सूट के होंगे, चार पत्ते सेम सूट के होंगे, या तो चारों पत्ते डायमंड निकलेंगे, या फिर हर्ट, या फिर क्लब, या फिर स्पेड, इसने ऐसा बोला है। तो देखो जरा, पहला केस, यार डायमंड निकले तो 13 में से चार निकले होंगे, या फिर, या का मतलब प्लस, क्लब निकले होंगे तो, हर्ट निकले होंगे तो, और क्या रह गया, स्पेड निकले होंगे तो चार, ऐसे बोल दो चार बार 13c4, एक प्लस एक चार बार, आंसर तो मेरे ख्याल से आप निकाल ही लोगे। अगला पार्ट, फोर कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट, चारों पत्ते अलग अलग आए हैं, यानी एक पत्ता इसका आया, एक पत्ता इसका, चार पत्ते अलग अलग, ठीक है, यानी एक पत्ता डायमंड का 13 में से कोई एक आया होगा, मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि केस कंप्लीट नहीं हो रहा है, चार पत्ते मेरे हाथ में नहीं आ पा रहे, जब तक चार पत्ते का सेट नहीं बनेगा उनके बीच में मल्टीप्लाई आता रहेगा, ठीक है। एक पत्ता हर्ट का होगा 13c1, एक पत्ता स्पेड का 13c1, एक पत्ता 13c1, आ गया, शॉर्टकट के हिसाब से 13c1 का आंसर 13 ही होता है, nc1 n होता है, ये भी कितना आ गया 13, ये भी 13 और ये भी 13, आंसर हो गया 13^4। बाकी सवाल हो जाएंगे या और बता दूं क्या बोलता है, फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट, फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट, चारों पत्ते अलग अलग, नहीं तो हो गया। थर्ड बताना है मुझे, आर फेस कार्ड, चारों पत्ते फेस कार्ड है, थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड पार्ट, चारों पत्ते फेस कार्ड है, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12, कितने होते हैं तो 12 में से कोई से भी चार, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नंबर फोर क्या बोल रहा है, टू आर रेड एंड टू आर ब्लैक, दो रेड है एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, रेड कितने होते हैं 26, 26 में से दो रेड एंड 26 में से दो ब्लैक, 26 रेड 26 ब्लैक, सॉल्व होगा तो आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, कार्ड्स ऑफ सेम कलर, बोल रहा है चारों पत्ते एक रंग के हैं, इसका मतलब या तो चारों पत्ते रेड होंगे या चारों पत्ते, अगर रेड हो गए तो 26 में से पूरे चार आ गए होंगे, या का मतलब प्लस, क्योंकि देखो केस कंप्लीट है, चार पत्ते हाथ में आ चुके हैं, ऑप्शन आ रहा है, तो 26 में से वो सॉल्व होगा तो सारे आंसर आ जाएंगे। मेरा मकसद था आपको लॉजिक बताना, आ गया एटलीस्ट, एटमोस्ट एग्जाम के अंदर आता है, एग्जाम के अंदर आता है ज्यादातर ये वाला सवाल आता है, ये सवाल देखने को मिलेगा जरूर कोई से भी स्कूल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना वो स्क्रीनशॉट का, वरना फिर मैं सामने आ जाता हूँ लिख नहीं पाते अच्छे से, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हटता हूँ साइड में। देखो जी, मिक्स प्रॉब्लम आ गई, कुछ बढ़िया सवाल आ गए, ठीक है, अब जरा अलर्ट रहना और सवाल को बड़े आराम से पढ़ो। अच्छा, कितने बच्चों को मालूम है एक्सकर्शन पार्टी का मतलब, एक्सकर्शन पार्टी, यहां पर बैठे हुए हैं एटलीस्ट 70 बच्चे के आसपास, तो मैं 70 बच्चों से ये पूछ रहा हूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकर्शन पार्टी, मालूम है, नहीं सुना, ओ भाई साहब कमाल है। अच्छा चलो, कितने बच्चों को मालूम है पिकनिक, सबको मालूम है, उसी को बोलते हैं एक्सकर्शन पार्टी, पार्टी जो प्रिमाइसिस से बाहर हो, एक्सकर्शन एक्स्ट्रा बाहर, ठीक है, घर के बाहर, जैसे आप कुतुब मीनार चले गए, इंडिया गेट चले गए, उसे बोलते हैं एक्सकर्शन पार्टी, ठीक है, क्या कह रहे हो, एक वर्ड सीख गए। देखो जी, अब सवाल ये बोल रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 बच्चे हैं क्लास के अंदर, टोटल बच्चे 25 हैं, इस टाइप के सवाल बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो प्लीज अलर्ट रहना, 25 बच्चे हैं, 10 बच्चों को पार्टी के अंदर जाना है, एक्सकर्शन पार्टी के अंदर, 25 में से 10 बच्चे अलाउड हैं, 10 पीपल आर अलाउड लिखा हुआ है, देयर आर 3 स्टूडेंट, भाई 3 लोग ऐसे हैं, 3 दोस्त हैं ये, ठीक है, चंगू मंगू टंगू, 3 दोस्त हैं, क्या नाम है इनके, चंगू मंगू टंगू, 3 दोस्त हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम 3 जाएंगे तो हम 3 हो जाएंगे, वरना हम में से एक भी नहीं जाएगा, एकता है, यूनिटी है, क्या कह रहे हैं ये कि मैडम सुन लो हमारी बात, जाएंगे तो हम 3 हो जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा, मैडम भी फिर कहती है ओके मत जाओ,
देखते हैं अब क्या होने वाला है. तो थ्री स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन, या तो वो तीनों जाएंगे या नन. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन एक्सकर्शन पार्टी बी चोजन, किस तरीके से सिलेक्शन होगा. देखो जरा यहां पे आंसर टोटल वेज, समझना यहां पे टोटल वेज. ठीक है, देखो मान लो ये तीनों लोग जा रहे हैं, तीनों लोग जा रहे हैं, तीनों लोग जा रहे हैं. ठीक है, मतलब इस दस लोगों में अब कुछ ऐसा हो गया है, तीन लोग, बल्कि इसका डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूं, इसका डायग्राम मैं इसे दोबारा देखो बनाता हूं. 25 लोग हैं, 25 में से तीन लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, बाकी सात लोग रैंडम ऐसे ही नॉर्मल लोग हैं. अब देखो दो केस हो गए यहां पर, अब दो केस हो गए हैं. ठीक है, अगर ये तीनों लोग जाते हैं, अगर ये तीनों लोग जाते हैं तो भाई तीन लोग हैं, तीनों के तीनों जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं, मैडम को और कितने बच्चे उठाने, सात बच्चे और उठाने, मल्टीप्लाई आएगा प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा यार, केस कंप्लीट नहीं हुआ, दस लोग नहीं हुए, जब तक दस लोग ना हो जाए तब तक बीच में मल्टीप्लाई आएगा. तीन लोग तो जा रहे हैं, मैडम को भी सात लोग और उठाने, कितने में से उठाने, 22, बिल्कुल सही जवाब 22, क्योंकि 25 में से तीन लोग तो जा ही रहे हैं, 25 में से तीन लोग तो जा ही रहे हैं, इसे हटा दो यहां 22 लिख दो, है ना, 25 में से तीन लोग तो बोल रहे हैं हम तो चल रहे हैं जी, तो तीन का तो सिलेक्शन पक्का हो गया, तो मैडम 22 में से सात लोग और ले लेगी, 22 में से सात लोग और ले लेगी और टीम हो गई पूरी 10 लोगों की. नहीं पूरी हुई, ये कब है, जब ये तीन लोग जा रहे हैं हम भी चलेंगे, चंगू मंगू टंगू. ठीक है, या तो ऐसा हुआ होगा या फिर, या का मतलब प्लस है, मान लो ये तीन लोग नहीं जा रहे, ये बोल रहे हैं हम नहीं जा रहे मैडम, हम नहीं जा रहे, तो मैडम अब कितने बच्चे उठाएगी, 10 के 10 उठाएगी, तीन लोग तो मना कर रहे हैं ना वो, मैडम को तो लेकिन 10 बच्चे लेके जाने, 10 बच्चे कितने में से, 22 में से, 25 में से क्यों नहीं, क्योंकि 25 में से तीन लोगों ने मना कर दिया, 25 में से तीन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, तो मैडम के पास अब 22 बच्चे बचे, 22 में से कोई से भी 10 बच्चे लेकर पिकनिक पर निकल लेंगी मैडम जी. तो देखो ये इस तरह से सॉल्व होगा, सॉल्व होके जो भी आएगा वो आपका आंसर है. बताओ सवाल लॉजिक वाला था कि नहीं था. ठीक है, एक तो यहां इंपॉर्टेंट थी और एक यहां इंपॉर्टेंट थी. यहां बच्चे गलती से ना 25 लिख देते हैं, याद नहीं रहता उन्हें, यहां बच्चे 25 लिख देते हैं, 25 नहीं लिखा जाएगा. रीजन, क्योंकि वो तीन बच्चे ने अपने आप को अलग कर लिया, तो अब तो केवल 22 में से 10 उठाने हैं. हो जाएगा सॉल्व, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं. मिक्स क्वेश्चन है ये मिसलेनियस के. चलिए जी एक और देखो सवाल, ये तो आसान है. बोल रहा है 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नंबर, ये राजी, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 2 3 4 5 6. समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने हिंदी बोल दिया एक्चुअली, है ना, वंस प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इकाई ढाई सैकड़ा हजार बोलते हैं उसे. तो चलो जी, ये बोल रहा है कि नंबर ऐसा बनाना है, डिजिट देखो ये इस्तेमाल होनी है, डिजिट ये इस्तेमाल होनी है, और नंबर ऐसा बनाना है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल हो. क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, अरेंजमेंट है कि सिलेक्शन है, अरेंजमेंट. क्यों, क्योंकि जंबलिंग हो रही है, जहां पर भी जंबलिंग हो जाए तो समझ लो वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का सवाल है. तो ये देखो वंस प्लेस है, टेन प्लेस है, है ना, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल जब ही तो होता है जब पीछे जीरो हो, नहीं समझे, दुनिया का कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल जब ही तो होगा जब पीछे जीरो होगी. तो बस हो गया मेरा सवाल, यानी इस नंबर मेरे पास है कितने, 1 2 3 4 5 6, और जगह भी मेरे पास 6 है, इस जगह को भरने की ऑप्शन एक है, नहीं है एक, कौन सी ऑप्शन है, जीरो, जीरो यहां पर आके बैठ गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जीरो अब यहां आ गया, अब जीरो नहीं आएगा, अब जीरो नहीं आएगा, इसे भरने के ऑप्शन 5, इसे भरने के, इसे भरने के, इसे भरने के, इसे भरने के, मेरे ख्याल से 120 120 नंबर ऐसे बन जाएंगे 6 डिजिट के जो जीरो से डिविजिबल है. ठीक है, 4 नहीं है इसमें, तो 4 थोड़ी भर रहा हूं मैं, 4 नहीं भर रहा मैं, ये ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब टोटल नंबर मेरे हाथ में 6 है, 6 टोकन है मेरे हाथ में, 6 में से एक नंबर जीरो यहां फिल हो गया है, मेरे हाथ में टोकन बचे अब 5, 5 चॉइसेस हैं इस जगह को भरने की, इस जगह को भरने की 4 चॉइसेस हैं. अगर कोई रिपीट हो रहा होता तो अपॉन में रिपीट आ जाता. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं.
अगला सवाल आ गया बच्चों, बढ़िया बेहतरीन सवाल। लो जी एक सवाल आ गया, दिमाग लगाना जरा क्या कहता है सवाल। बोलता है डिफरेंट परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्या मतलब है? अरेंजमेंट। क्या मतलब है? सवाल ने खुद ही बोल दिया कि सवाल अरेंजमेंट का है। बोल रहा है एग्जामिनेशन वर्ड से कितने वर्ड बन जाएंगे, लेकिन कुछ बात यहां पे दी हुई है, डिक्शनरी में बनाना है। तो डिक्शनरी में तो पहला वर्ड ए से होगा, दूसरा वर्ड बी से होगा, लेकिन डिक्शनरी की जो बात हो रही है वो उस डिक्शनरी की बात हो रही है जिसमें सिर्फ ये ही लेटर हो। डिक्शनरी जो बनेगी वो सिर्फ इन्हीं लेटर से बन रही होगी। इसने ये कहा है कि कितने वर्ड डिक्शनरी में बन जाएंगे, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, लेकिन फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब ई से पहले, ना ई से पहले वाले जो वर्ड हैं ये निकालना है मुझे। डिक्शनरी में कुछ वर्ड ई से पहले भी आए होंगे, कुछ वर्ड ई के बाद भी आए होंगे, ये नहीं निकालना है मुझे, सिर्फ ये निकालना है। देखो लिखा हुआ है डिक्शनरी के अंदर एग्जामिनेशन से कितने वर्ड बन जाएंगे जो ई से पहले पहले बन रहे हैं, ये बताना है। तो यार ई से पहले वर्ड किससे स्टार्ट होंगे? ए से, बी से, सी से, है ना, डी से। देखो यहां पे कौन कौन है, यहां पे सिर्फ एक ही वर्ड है ए, यानी ए से निकालना है मुझे वर्ड। किससे निकालना है? ए से। ए से क्यों निकालना है? बी से क्यों नहीं? बी है ही नहीं। ई से क्यों नहीं निकालना ही नहीं, क्योंकि ई से पहले। तो देखो ए फिक्स हो गया, ए हो गया फिक्स। है कितने ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है शायद। तो यहां पे कितना आएगा? ए से वर्ड निकालना है मुझे जो ए से बनेंगे, जो वर्ड ए से बनेंगे। दोबारा कितना जरा, 11 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां पे आएगा। 11 फैक्टोरियल, 11 नहीं आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा। रीजन, ए तो फिक्स हो गया, 10 आएगा। अपॉन में कोई रिपीट हो रहा है? ए दो बार है, एक फिक्स हो चुका, और कोई रिपीट हो रहा है? आई, आई दो बार, एन कितनी बार? दो बार, और बस सॉल्व होगा तो आंसर आ जाएगा। लॉजिक आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बोल रहा है, एक वर्ड है इक्वेशन, ये रजी इक्वेशन नाम का एक वर्ड है। सवाल में देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वॉवल एक साथ रहे, कॉन्सोनेंट एक साथ रहे। वॉवल के बीच में कॉन्सोनेंट नहीं आने चाहिए, और कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल नहीं आने चाहिए। वॉवल एक साथ रहे और कॉन्सोनेंट एक साथ रहे। तो वॉवल हो कौन कौन से? ई, यू, ए, आई, ओ, ये तो रहेंगे एक साथ। कॉन्सोनेंट क्यू, टी, एन, ये रहेंगे एक साथ, यही तो होगा। ये इसके बीच में नहीं जाएंगे, ये इसके बीच में नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में आ जाए और ये नंबर पीछे हो जाए, नहीं हो सकता? इसने ये बोला है वॉवल और कॉन्सोनेंट एक साथ रहें। तो या तो वॉवल सारे स्टार्टिंग में रहेंगे, कॉन्सोनेंट रहेंगे पीछे, या कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में वॉवल पीछे। दो ही केस हो गए, निकालो जी फटाफट। केस हो गए दो, तो यहां पे लगाओ दो। केस के आगे कभी फैक्टोरियल का सिंबल नहीं लगाते। इसमें देखना 1, 2, 3, 4, 5, यहां लिखो 5 फैक्टोरियल। रीजन, क्योंकि ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, रहेंगे एक साथ लेकिन आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। यहां पे कितना है? 3, 3 ही लिखो, 4 नहीं लिखो, 3 ही लिखो। रीजन, क्योंकि ये इसके बीच में नहीं जा रहे, याद है? तो इसे लिखना है 3। याद होगा इसे 4 लिखते थे, कौन सा होता वो, जहां पे ये बोलता था वॉवल एक साथ आ जाए। यहां पे क्या बोल रहा है? वॉवल एक साथ आ जाए और कॉन्सोनेंट भी एक साथ आ जाए, तो यहां पे इसलिए ऐसा रहा है। अपॉन में रिपीटेड कोई है? नहीं है। सॉल्व होगा तो आंसर आ ही जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो जी अगला सवाल। लो जी अब नई प्रॉब्लम आ गई, हैंडशेक। ठीक है, हैंडशेक। ओके, हाँ सुनो ध्यान से। अब सवाल देखो प्रैक्टिकल है, और ये सवाल वाइवा के अंदर पूछते हैं आपसे। वाइवा के अंदर आपकी जब जॉब लगेगी, इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। ये बोल रहा है कि पार्टी में 80 लोग हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, 80 लोग हैं, 80 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, तो ये बताओ टोटल हैंडशेक कितने हुए, इस टाइप का सवाल है। या फिर ये दे देगा कि टोटल इतने हैंडशेक हुए, तो ये बताओ पार्टी में कितने लोग थे। नहीं आया सवाल समझ? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा सवालों की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि स्टार्टिंग में भी काफी सारे सवाल एक्स्ट्रा थे। तो हैंडशेक है प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला देखो, ये होता है NC2, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक का।
तो सवाल एक्स्ट्रा आ गए और आपको तो मालूम है ये स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, क्या होती है एस एच ए ई, दोबारा बोलना, हाँ ऊपर से देख लेता हूँ ना कहाँ है, अरे ये रहा, अरे सही लिखी थी मैंने तो यार, ई नहीं लिखा था बस, ठीक है अंग्रेजी में थोड़ा हाथ मेरा हैंड मेरा शेक कम होता है अंग्रेजी में, ठीक है चलो सवाल समझते हैं जरा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है बेटा एन सी टू, क्या फॉर्मूला है एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल, अगर एक पार्टी में 10 लोग हैं तो एन की जगह 10 भर दो, टेन सी टू खोल दो, जो भी रिजल्ट आएगा उतने नंबर ऑफ हैंडशेक हुए। अगर एक पार्टी में 100 लोग हैं एन की जगह 100 रख दो, नीचे तो टू ही रहेगा, क्यों, हैंडशेक के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, तुम तो समझ ही रहे होंगे है ना, ये बस यही होता है। तो ये ऐसे वाला होता है या ऐसे वाला होता है, अच्छा प्राइवेट चीज है, चलो देखो इधर, यस एवरीबॉडी प्लीज। तो बोल रहा है भाई 20 लोग हैं, 20 लोगों को हाथ मिलाना है तो बताओ टोटल कितने हैंडशेक हुए, अब तो हो ही जाएगा, ये लिखते ही हो जाएगा बस, अगर मैं ये ना लिखता तो थोड़ा सोचना पड़ जाता। तो आप निकाल दोगे टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक एस एच के ई, याद कर लिया मैंने, 20 सी टू ओपन इट, 20 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल किसे खोलूं, बड़े वाले, यू अंडरस्टैंड दिस 18, खोलना जरा 20 19 18 पे ब्रेक, अरुषि बेटा ये कट हो गया, टोटल हैंडशेक 190 हो गए, आगे समझ। अब यही सवाल ना ऐसे करके आ सकता था कि टोटल हैंडशेक जो हुए हैं वो 190 हैं, तो नंबर ऑफ पीपल बता दो, नंबर ऑफ पीपल बता दो, कैसे करते हैं फिर, ऐसे करते एन सी टू इज इक्वल टू 190, खोल दो एन सी टू को, एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 में से गया 2, एन माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर कितना आएगा 192, ठीक है यहां कर रहा हूं मैं, अब जगह बनाने के चक्कर में जगह कम कर दी मैंने, यहां कर रहा हूं मैं से अब, ठीक है यहां ला रहा हूं, ये n है और ये कितना है n माइनस 2, बड़े वाले को ओपन कर दो n, n माइनस 1 और n माइनस 2 पे ब्रेक लगा दो, नीचे 2 तो है ही 2 इंटू 1 और n माइनस 2 को ऐसे रहने दो, बराबर कितना है 190, देखो ये हो गया कट है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 19 दूनी 38 होता है शायद, उठा के ले आओ इधर, अब कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, अब कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट से एन की दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आपका आंसर होगा, यानी इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा उसमें 190 होगा, 190 टू जा हो तो होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, जो भी हो जाएंगे कर दोगे ना, हाँ 20 आंसर आएगा, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट इसके हो जाएंगे, कर दोगे जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये सवाल इस तरह से घूम फिर के आ सकता है, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ये रहा सवाल देखो, सी वाई एस है, बिग स्माइल सी वाई एस, ये रहा सवाल कैसे करोगे, बर्थडे पार्टी, अरे खिलाड़ी हो रहे हो खिलाड़ी हो रहे हो खिलाड़ी, कह रहा है इन अ बर्थडे पार्टी, ये सवाल सेम टू सेम न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में आता है, सेम टू सेम बिल्कुल सेम आता है बर्थडे पार्टी का, बोलता है बर्थडे पार्टी में गए कुछ लोग और टोटल हैंडशेक वहां पर 28 हुए, 28 लोगों के हाथ मिले, ठीक है क्या करिए, अभी तो एक ही लोग है 28 लोगों के हाथ मिले तो बताओ टोटल पार्टी में कितने लोग हैं, क्या करोगे, एनसी टू बराबर 28, इसके बाद ये ओपन होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट का फंडा आएगा इसके अंदर, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा सी वाई एस है। आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन आ गए, तेज चल रहे हो, नए क्वेश्चन आ गए, ये है डायगोनल प्रॉब्लम इन पॉलीगन, पॉलीगन समझते हो, पेंटागन ट्रायंगल, ट्रायंगल भी पॉलीगन है, पॉलीगन कम से कम तो ट्रायंगल ही होगा, सर्कल क्या है फिर, इनफाइनाइट पॉलीगन, सर्कल क्या है इनफाइनाइट, रीजन छोटी 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 साइडें आपस में मिल रही हैं, मतलब लोकस मिलते हैं उसके अंदर, सेट ऑफ पॉइंट बोलते हैं उन्हें, फिलहाल यहां आ जाओ। तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है एन सी टू माइनस एन, ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको नंबर ऑफ डायगोनल देगा, नंबर ऑफ डायगोनल कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल है, ये इसका फॉर्मूला है एन सी टू माइनस एन, एन के आगे फैक्टोरियल का सिंबल नहीं, और एन क्या है, एन यहां पे साइड है, एन यहां पे क्या है साइड,
एंड यहां पर साइड है। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है एक पॉलीगन के अंदर 170 डायगनल है, यानी 170 डायगनल, इसका मतलब NC2 माइनस N बराबर 170, मतलब हमें उल्टा दे दिया गया। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक पॉलीगन है जिसकी साइड 10 है, तो N की वैल्यू 10 हो जाएगी, N की वैल्यू 10 हो जाएगी, नंबर ऑफ डायगनल बताओ, इसके अंदर डाल दो, सॉल्व करके जो आएगा वो सीधा आंसर आ जाएगा। ये सवाल उल्टा है, ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, हर स्कूल में बदलते रहते हैं। चलो ओपन करो इसे, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, माइनस n ऐसी रहेगा 170, ओपन इट, n माइनस 1, n माइनस 2, ब्रेक लग गया यहां पर, 2 इंटू 1, ये n माइनस 2, पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, माइनस का n इसे मत भूल जाना, इस बेचारे को मत भूल जाना, ये हो गया कट, मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन में 2 माइनस का एन, ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल ताकि गलतियां ना हो, ठीक है, एलसीएम इधर ले लो, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस का 2n हो जाएगा, अपॉन में जो 2 है वो वहां चला गया, 340 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया एन स्क्वायर माइनस का 3n, इसे उठा के ले आओ, 340 बराबर 0, इसके आपको करना है फैक्टर, क्या करना है आपको इसके फैक्टर, बताओ जी क्या फैक्टर होंगे इसके, 20 into 17, n माइनस 20 और n प्लस 17, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, अलग अलग सॉल्व हो गए, तो n की वैल्यू 20 और n की वैल्यू माइनस का 17, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। yes, sir. इस सवाल को बोलते हैं डायगनल प्रॉब्लम, कर दोगे, टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये आपके लिए है, ये सवाल CYS, ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है, तीनों करना है आपको, ठीक है, आंसर मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं, यस, अब आ गया अगला नया सवाल, ये है दो वॉवल एक साथ ना आए, हमने क्या सीख रखा है, वॉवल एक साथ आए और वॉवल एक साथ ना आए, या तो एक साथ आए या एक साथ ना आए, अब क्या सीख रहे हैं, दो वॉवल एक साथ ना आए, दो वॉवल, अगर एक सवाल के अंदर चार वॉवल है तो उसमें से कोई से दो वॉवल एक साथ ना रहे, उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट रहे, देखो वॉवल एक साथ ना आए ये अलग बात है और दो वॉवल एक साथ ना आए ये अलग बात है, तो ये सवाल वही है, जरा सवाल सीख लो फटाफट से, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एक वर्ड है कंबाइन नाम का, ये रहा वर्ड, ठीक है, COMBINE, ये रहा वर्ड कंबाइन, वॉवल एक साथ ना आए, पहले वॉवल निकाल लो यहां से, ओ आई ई, कॉन्सोनेंट COMBINE, वॉवल एक साथ ना आए, ध्यान देना, आप बनाओगे एक डायग्राम, ये बोल रहा है वॉवल एक साथ ना आए, तो शुरुआत वॉवल से होगी, शुरुआत, और अगर ये बोलता कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए तो शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगी, जो बोले उससे होगी शुरुआत, ये बोल रहा है वॉवल एक साथ ना आए, तो आपको एक ब्लॉक बनाना है, देखो ऐसा है ना, ब्लैंक कॉन्सोनेंट है ना, ब्लैंक कॉन्सोनेंट, ब्लैंक कॉन्सोनेंट, ब्लैंक कॉन्सोनेंट, चार हो गए, फिर ब्लैंक, ये बनाना है, देखो ब्लैंक, यानी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं यहां पर केवल और केवल वॉवल बैठेंगे, कम अगर हो गए तो क्या हुआ, इन्हीं जगह पर जाके बैठना है, और अगर पूरे नहीं है तो वो जगह खाली रह जाएगी, जैसे एक सवाल बॉय वाला आया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 जगह है, वॉवल मेरे पास 3 है, तो 5 में से कोई सी भी 3 जगह फिल हो जाएंगी और जो नहीं है वो जगह अनफिल्ड ऐसे ही रहेगी, तो जहां जहां खाली है कितनी जगह है वो एक, अच्छा ये बताओ सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है, वर्ड जंबल हो रहे हैं, जहां पर भी जंबलिंग होगी वो अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4 5, 5 जगह है और वॉवल 3 है, 5 में से 3 जगह भर दी जाएंगी, 5 में से 3 जगह भर दी जाएंगी और जगह खाली रह गई, खाली रह जाने दो, वॉवल बैठ गए अपनी जगह, कॉन्सोनेंट की जगह देखो, 1 2 3 4 है, कितने इंटू एंड आएगा, एंड क्यों आएगा, केस कंप्लीट नहीं हो रहा है, टोटल वर्ड नहीं आ पा रहे हैं अभी, कॉन्सोनेंट की जगह 1 2 3 4 है, कितने 4, यहां पे पी आएगा, पी बोला तो परमुटेशन, अरेंज हो रहा है ना, जंबलिंग हो रही है, जंबलिंग में हमेशा पी, सिलेक्शन में हमेशा सी, 5 जगह में से 3 जगह भरी जा रही हैं, 2 जगह खाली रह जाएंगी, कौन सी जगह हमें नहीं पता,
कौन सी भरी जा रही है हमें नहीं पता, ठीक है। यहां भरो जरा, चार जगह है, चारों जगह भर दो, सॉल्व होगा तो आंसर तो आ ही जाएगा। कोई रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई? अगर रिपीट हो रहा होता तो यहां अपॉन में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है ऐसे करके। फिलहाल रिपीट नहीं हो रहा तो नहीं आएगा। बताओ सवाल पकड़ में आया कि नहीं आया? शुरुआत हमेशा किससे करनी है? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वोवेल एक साथ ना आए तो वोवेल से, कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए तो कॉन्सोनेंट से। स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। और सवाल आएगा देखो, केरा एक सवाल, एलजबरा क्या बोल रहा है? दो वोवेल एक साथ ना आए, नौ लिखा है, नौ एक साथ ना आए, वोवेल एक साथ ना आए। वोवेल है कौन कौन? ए ई ए और वो एल जी बी आर, यही तो है। चलो शुरुआत करो, किससे होगी शुरुआत? वोवेल वाली जगह से। इन्हें मत देखो, इन्हें मत देखो, शुरुआत करो। टोटल लेटर देखो सात है ना, ये भरो जगह, खाली जगह कॉन्सोनेंट, खाली जगह कॉन्सोनेंट, खाली जगह कॉन्सोनेंट, खाली जगह कॉन्सोनेंट, खाली जगह। देखो ना ये चार थे तो इन चारों को तो बिठाऊंगा ही मैं, तो इसलिए एक दो तीन चार। ये कहां तक लाइन जाएगी ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, वोवेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर डिपेंड है। चार लोगों को तो बिठाऊंगा ही मैं, तो उसके हिसाब से एक हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं। बताना जरा आप, भरना जरा इसे। टोटल एक दो तीन चार पांच, पांच में से तीन जगह पी आएगा, पी क्योंकि जंबलिंग हो रही है। क्या हो रही है? जंबलिंग। अच्छा एंड के लिए मल्टीप्लाई, एक दो तीन चार, ये भी कितने? चार। तो यहां आएगा चार पी चार, हो गया। फिर रिपीट हो रहा है कोई? ए तो अपॉन में टू फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे तो 720 आंसर आ जाएगा। नहीं समझे ये वाली बात? ध्यान रखोगे रिपीट वाली बात? रिपीट अगर है तो अपॉन में आएगा, नहीं है तो नहीं है। आई थिंक आपको ये सवाल पकड़ में आ गए होंगे। एक सवाल इसका और आ जाता है एग्जाम में, याद है मुझे एक स्कूल के अंदर आया था। वर्ड है ये ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल ये वर्ड है। इसके अंदर यही बोला है वोवेल एक साथ ना आए, वोवेल एक साथ ना आए, करके लाना इसका आंसर। मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से 1440 है शायद, शायद याद नहीं है मुझे, ठीक है देख लेना। ये अलग सवाल है, कर लोगे? आगे बढ़ जाएं? या वही था पीछे वाला? नहीं वो तो कंबाइन है ना, इसका आंसर भी वही है। अरे इसका आंसर भी वही है शायद, फिर इसका 1420 या ऐसी कुछ है, या तो 1440 है या 1420 है, कंफर्म कर देना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़े? चलो जी, वो अब नया सवाल आ गया, नया सवाल। ये बोल रहा है वोवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वोवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस यानी सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर डाल दिए गए, जहां इवन नंबर की सीट है दो चार छह वहां पर वोवेल आएगा। तो यहां पर ये सवाल आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। जितने वर्ड हैं जैसे आर्टिकल है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो सात नंबर डाल दो पहले, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह नंबर और सात नंबर, जो इवन नंबर है यहां पर वोवेल आएगा, यहां पर वोवेल आएगा, यहां पर वोवेल आएगा। यस और नो? अब काउंट करो वोवेल इसके अंदर है कितने, एक दो तीन, और तीन ही जगह है तो तीन जगह है वहां पर, तीनों जगह वोवेल बैठ जाएगा। सिलेक्शन है क्या? अरेंजमेंट है, जंबलिंग हो रही है, कभी कोई कहीं कभी कोई कहीं। जगह बच कितनी गई? ऑड वाली जगह, एक दो तीन चार जगह, चार और चार ही शायद मेरे पास वो है, तो 4p4 आ जाएगा वो। कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, हो रहा होता तो आ जाता। आसान है मुश्किल है? देखो ये सवाल बताना जरूरी था, अगर मैं नहीं बताता और एग्जाम में आते तो भाई साहब अटकते, नहीं अटकते, अटक जाते, क्योंकि सोचना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बार आपने यहां देख लिया तो अब नहीं अटकेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। टाइटल भी दिया हुआ है मैंने सवाल कौन सा है। ये नए सवाल आ गया, नया सवाल आ गया। देखो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN, फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 है। इसका डेरिवेशन नहीं करना, ये सिर्फ फॉर्मूला है। यानी अगर कोई, अगर मान लो किसी बच्चे के पास n की वैल्यू 10 है और वो स्टार्टिंग से खोल दे ऐसे 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 डॉट 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 प्लस 10C10, और उस बच्चे को बोल दिया जाए आजा बेटा खोल इसे निकाल आंसर, समझ गए? तो वो बेचारा तो आत्महत्या कर लेगा, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर तुम्हारे साथ है। शॉर्टकट ये रहा, शॉर्टकट ये रहा, टू ऐसी रहने दो। एन कितना है?
ऊपर 10-1 आ गया आंसर, खत्म सवाल। अरे जहर उगल दिया। फॉर्मूला है भैया, पूरा डिराइव्ड फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। हर बार यही आएगा, हर सवाल का आंसर यही आएगा, n की वैल्यू बस बदलती रहेगी। 2 की पावर 10 का फॉर्मूला 1024 होता है, माइनस वन लेस करोगे 1023। ये लो बच्चे की कॉपी दोबारा सही हो गई। तो ये फॉर्मूला है, याद रखोगे इसे। एनसी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि n की वैल्यू 20 है और इसे एंड तक खोल दो, 1 से स्टार्ट करो, तो एनसी 1 मतलब 20C1 20C2, तो आंसर 2 की पावर 20-1 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। हमेशा ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन इसका सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो इसी का ये फॉर्मूला एक और है, ये रहा इसी का, है ना। यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है NC1 से, यहाँ स्टार्ट हो रहा है NC0 से। ये थोड़ा ऐसे लिख दिया है, ऐसे ही NC0 प्लस NC1 प्लस .. NCN, इसका फॉर्मूला 2 की पावर n है। ये दोनों एक ही तो है, फर्क क्या है? ये 1 से स्टार्ट है और ये 0 से स्टार्ट है। 0 से स्टार्ट है तो वहां पर 1 नहीं है, सिर्फ 2 की पावर n, और ये क्या था, 2 की पावर n-1। दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। न्यूमेरिकल इसके लिए आप देख लो कैसा है सवाल। ये रहा सवाल, बोल रहा है एक कमरे में 10 लैंप है, 10 लाइट है, 10 लट्टू है, 10 बल्ब है, 10 LED है, 10 तुमो ट्यूब लाइट, तो 10 लाइट है। बोल रहा है हर एक लाइट का बटन स्विच अलग है, हर एक लाइट का स्विच अलग है। तो एक बच्चे को अगर सारी लाइट जलानी होंगी तो क्या करेगा, पहले एक दबाएगा बटन, फिर 2 दबाएगा, फिर 3 दबाएगा। तो पहला बटन जो दबाएगा वो कौन सा दबाएगा, 10 में से कोई 1, दूसरा 9 में से कोई 1, तीसरा 8 में से कोई 1, फिर 7 में से कोई 1, फिर। तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ ये नहीं बन रहा। देखो पहला बटन 10 में से कोई 1 दबाएगा, दूसरा 9 में से कोई 1 दबाएगा, फिर 8 में से कोई 1 दबाएगा, फिर। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। अच्छा एक बात और, ये जो 1 है ना 1, ये आगे बढ़ते जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बटन जो दब चुके हैं वो काउंट हो गए हैं, जो बटन ऑन हो गए हैं वो काउंट हो गए, वो दोबारा थोड़ी दबा देगा उसे, तो इसलिए ऐसे आएगा 10C1। ठीक है, 10C1 10, अरे यार ये गलत लिख दिया मैंने, गलत तरीके से बता दिया मैंने। देखो भटक गए हम, अबे हम थोड़ा सा भटक गए, एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा मैं, दोबारा करता हूं एक्सप्लेन। देखो ये है बटन, मेरे पास 10 है ना, पहला बटन दबा दिया, ओके 1 बटन दबा दिया, एक लाइट जल गई, लाइट को जलाना ना मैं इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट माने बत्ती जल जा। उसके बाद 10 में से फिर 2 दब गए, 2 लाइट जल गई, 10 में से फिर 3 दब गए, 3 लाइट जल गई। ये लॉजिक है, करते 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 10 के 10 जल गए और 10 लाइट इल्यूमिनेट हो गई और ऐसा कुछ बन गया, 10 ही है। आगे समझ? तो ये लॉजिक था, वो मैं गलत बता रहा था, अब मैं जाकर तुम्हें ठीक बता रहा हूं, मैं थोड़ा भटक गया था तुम्हें देख के, ठीक है हो जाएगा। अब आयुषी के देख के मैं थोड़ा सा भटक गया था, तो हो जाएगा अभी ये सवाल एवरीबडी, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर, इसका आंसर यही तो है। क्यों? 2 की पावर 10-1 सॉल्व करोगे तो, अभी मैंने सॉल्व किया, तो इस टाइप का सवाल था। अगर मैं ये फॉर्मूला तुम्हें ना बताता और ये सवाल आता तो तुम तो दिमाग लगाते, क्या कहते दिमाग लगाते हम, सीधा या तो ये लिख के आते या ये लिख के आते, जाते तो ये लिख के आते, बोलते 10 बटन फिर 9 बटन फिर 10 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर ये वाला था, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा कोलिनियर, ये अभी आपके एग्जाम में आया था सवाल, ये रहा सवाल, ठीक है ये रहा सवाल। देखो सवाल जरा यहाँ पे देखना, सवाल घुमाने वाला है। बोलता है आपके पास 12 पॉइंट है, ये देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट, ये थोड़ा गलत बन गया, समझना जरा, ये रटने वाला सवाल नहीं है, ये फील करने वाला है, ठीक है। 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, ओके 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट, उसके बाद 10, उसके बाद 11। ये देखो कितने पॉइंट हो गए, 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 होने लगे 12 पॉइंट हो गए, 12 पॉइंट हो गए, समझना जरा। ये बोल रहा है आपके पास टोटल 12 पॉइंट है, ये देखो ये बोल रहा है उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है। देखो ये रे, ये देखो ये पॉइंट कोलिनियर है, नहीं है कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब
एक लाइन में आना, ये रहा। तो ये बोल रहा है बताओ टोटल कितनी लाइन बन जाएंगी इन सबको जोड़ के, टोटल कितनी लाइन बन जाएंगी इन सबको जोड़कर, कितनी लाइन बन जाएंगी। तो देखो जरा ऐसे करते हैं, इसे टोटल पॉइंट हैं कितने 12, तो 12 पॉइंट हैं, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमें। सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है? सिलेक्शन, क्योंकि जंबलिंग थोड़ी हो रही है, यहां तो सिलेक्ट हो रही है। 12 में से 2 पॉइंट चाहिए हमें लाइन बनाने के लिए, है ना। अच्छा जी, इसमें से माइनस करो, देखो ये तो ऑलरेडी लाइन है, ये तो ऑलरेडी लाइन है, अब बार बार मैं इसे थोड़ी लूंगा, इसे थोड़ी लूंगा, इसे थोड़ी लूंगा, ये तो ऑलरेडी एक ही लाइन मानी जाएगी। तो 5 पॉइंट में से जो 2 पॉइंट मिलके बन रहे हैं ये लेस कर दो इसमें से, क्यों? क्योंकि ये लाइन के अंदर ऑलरेडी एक काउंट होगी, और इसमें प्लस करो हमेशा एक 1। रीजन, क्योंकि ये एक लाइन का रोल प्ले कर रही है, ये इसका लॉजिक है। देखो आंसर भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, दोबारा देख लो एक बार और, जितने पॉइंट हैं उतने नीचे हमेशा आएगा 2, लेस करो हमेशा कोलिनियर, लेस करो कोलिनियर वाला, और हमेशा एक प्लस 1 करो, प्लस 1 हमेशा होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोलिनियर का मतलब ऑलरेडी एक लाइन होता है, तो ये लाइन ऑलरेडी हमारे पास है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लस 1 होगी। सॉल्व होगा तो इसका न्यूमेरिकल बन जाएगा, सॉल्व करना है ये, यहां तक छोड़ के नहीं आना, ठीक है। चलो आंसर भी लिख दिया है शायद इसका, 57 आंसर, सॉल्व करोगे तो 57 हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे सवाल, एक और सवाल आ गया, देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है। एक बात बताओ जरा, मैं कहीं पे अगर ऐसे लिखूं n फैक्टोरियल और n प्लस 1, ऐसे लिख दूं n फैक्टोरियल और n प्लस 1 ऐसे लिख दूं, तो क्या मैं इस वाली बात को ऐसे बोल सकता हूं n प्लस 1 फैक्टोरियल, इस वाली बात को? बताना हाँ या ना, क्यों नहीं? इस बात को मैंने ऐसे क्यों बोला? खुल के वही आ जाएगा, क्योंकि n प्लस 1 को जब मैं खोलूंगा तो n प्लस 1 अगला, हाँ, तो ये बात एक ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 1 2 3 डॉट 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 लास्ट में n ऐसे लिखा है, तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ n फैक्टोरियल? यस सर। क्यों? खुल रहा है n फैक्टोरियल, खुलेगा तो यही तो आएगा, पहला स्टेप n, दूसरा n माइनस 1 जो कि इसके पीछे वाला होगा, फिर n माइनस 2 जो इसके पीछे वाला होगा, n माइनस 3 करते 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 1 तक आ ही जाऊंगा। नहीं समझे? तो इस सवाल को जरा देख लो, और देखो ये जो सिंबल है ना, ये 2n ब्रैकेट में n, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है ये 2ncn, ये मतलब होता है इसका 2n ब्रैकेट n, इसका ये मतलब होता है 2ncn। अगर एग्जाम में ऐसे कुछ आ जाए तो तुम तो भटक ही जाते अभी, अब तो नहीं भटकोगे, 2nn इसका ये मतलब होगा 2ncn, ठीक है। चलो सवाल करते हैं, प्रूफ करते हैं इसे, ये इसका आंसर ये लेके आना है। तो देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसे बोलो 2ncn, बोल दूं ऐसे? यस सर। इसका मतलब एक्चुअली ये मतलब है इसका, ये इसका मतलब c है, ओपन इट 2n फैक्टोरियल, ओपन इट n फैक्टोरियल, ओपन इट 2n माइनस n फैक्टोरियल, बोलो बच्चों यस और नो? आगे बढ़ाओ, ये कितना हो गया 2n फैक्टोरियल, ये कितना हो गया n फैक्टोरियल, ये कितना हो गया n फैक्टोरियल, इसे ये 2n अगला स्टेप, 2n माइनस 1 अगला स्टेप, 2n माइनस 2 अगला स्टेप, 2n माइनस 3 अगला स्टेप, 2n माइनस 4 अगला स्टेप, डॉट 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 3 2 1, यही तो आएगा खुलते खुलते, सीख लो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब वीडियो के अंदर जो भी आएगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तुम एकदम अलर्ट हो जाओ, ठीक है, नींद मत लाओ, ये रहेगा ऐसे ही। यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत है? कुछ मुश्किल तो नहीं हुआ ना? ऊपर वाले को बस ओपन किया है 2n, अगला 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 करते करते 1 तक जाएगा। अच्छा अब जरा अलर्ट रहना, देखो ये नंबर इवन है, ये नंबर देखो इवन है, ये नंबर देखो इवन है, ऐसे देखो ये नंबर इवन है, इवन नंबर एक साथ, इवन नंबर लिख दो एक साथ, देखो ऐसे, ये कितना है 2n, फिर कितना है 2n माइनस 2, फिर कितना है 2n माइनस 4, डॉट 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 2, इन्हें लिखा मैंने एक साथ, सारे मल्टीप्लाई में बचे कौन, ऑड नंबर, कौन कौन बचा 2n माइनस 1, और कौन बचा 2n माइनस 3, डॉट डॉट डॉट, और कौन बचा 3, और कौन बचा 1, नीचे नथिंग विल चेंज, बोलो बच्चों यस और नो? आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं, जगह बना लू थोड़ी सी, ये हटा रहा हूं।
ये हटा रहा हूं, नोट कर लेना पीछे वीडियो रिप्ले करके। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये आता है एग्जाम के अंदर, एक्स्ट्रा है, मिलेगा भी नहीं आपको ढूंढने से ये सवाल, लेकिन एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है। ध्यान से देखो भाई, समझने वाली बात है यार। देखो इसके अंदर देखो टू कॉमन नहीं है, देखो टू, एक टू बाहर निकाल लो इसके अंदर, फिर टू बाहर निकाल लो, कितने टू हो गए बाहर, दो टू, एक टू बाहर आया, दो टू बाहर आया, यानी दो की पावर दो हो गई, एक और टू बाहर निकालो, दो की पावर तीन हो गई, करते 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 यहां तक जाओ, दो की पावर एन नहीं हो गई, अरे ये तो एन टाइम्स है ना, एन नहीं समझ पा रहे, एन टाइम्स है, तो इसमें से दो बाहर आया, एक इसमें से दो, एक इसमें से दो, एक इसमें से दो, तो बाहर दो 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 मल्टीप्लाई में दो की पावर एन हो गए, तो इसमें से पूरे में से ऐसे लिख दो की पावर एन कॉमन ले लिया, दो की पावर एन कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा फिर, यहां एन बचा, यहां क्या बचा, एन माइनस वन बचा, यहां क्या बचा, एन माइनस टू बचा, कॉमन लेता जा रहा हूं मैं, यहां क्या बचा वन, है ना। और देखना इस हिस्से को पलट के ऐसे लिख दूं, इस हिस्से को उठाया उठ और यूं करके, यस और नो, अरे इसे ऐसे करके उठा के यूं लिख दूं, देखो ऐसे पहले वन फिर इंटू में थ्री फिर करते 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 लास्ट में टू एन माइनस वन, बोलो बच्चों यस और नो, बता दो पहले आराम से, टाइम मेरे पास बहुत है, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। इसमें से दो कॉमन आए, हर एक दो दो तो दो हो गए एन टाइम्स, यहां पर दो हट चुके सबके, जो चीज है वो चीज मैंने वहां पर लिख दी, इस चीज को मैंने उठा के पलट के लिख दिया, पहले लिखा वन फिर लिखा थ्री डॉट 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 लास्ट में लिखा ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है इससे पहले वाला स्टेप यही होगा। आगे देखना जरा आप, टू की पावर एन, आगे देखो जरा एवरीबडी, देखो ये चीज एन फैक्टोरियल नहीं बन गई, रीजन एन को अगर मैं खोलूंगा तो एन एन माइनस वन करते 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 वन तक, तो वो बन गया एन फैक्टोरियल, साइड में ये वन है थ्री है, उसके बाद पांच लिख दिया तो कोई गलती हो जाएगी, अरे एक तीन पांच सात नौ जिंदगी भर लिखते ही रहो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर झलक दिख रही है उसकी, इसलिए मैं लिख रहा हूं वरना मैं नहीं लिखता। यहां पे कितना है एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, देखो ये हो गया कट, क्या मेरा आंसर आ गया, बताओ ये सवाल अगर मैं ना बताता तो क्या तुमसे हो जाता, सीसी बताना, वेरी गुड, क्या कह रहे हो, बेहोश हो जाते तो बढ़िया सवाल था, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं देखते हैं कौन सवाल आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए, इसके बाद थैंक यू बच्चों वाला पेज, ठीक है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है कि बस ये जल्दी से आ जाए, ठीक है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन भाई साहब रुलाएगा आप, डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब जरा दिमाग लगा लेना इसमें, दिमाग लगा लेना, सवाल वास्तव में इंपॉर्टेंट है और सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्कूल में आता है, कहां है क्विंट, कहां है क्विंट, तुम्हारे स्कूल में आता है ये क्वेश्चन, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ना आए तो भाई साहब फीस वापस है, लिख लो इस बात को, पक्का आता है। अब ये का मतलब ये नहीं कि यही वर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये वर्ड भी आ सकते हैं और कोई वर्ड भी आ सकता है, लॉजिक सेम रहेगा। ऑलराइट, तैयार हो, शाबाश। सवाल देखना जरा, ये बोल रहा है एक वर्ड है इनइफेक्टिव, एक वर्ड है इनइफेक्टिव, जैसे तुम आज इनइफेक्टिव हो गए हो, ठीक है। आंसर मुझे देखो बता दिया गया इसमें 1422 बता दिया गया आंसर। ये बोल रहा है चार लेटर का वर्ड बनाना है, फोर लेटर का वर्ड बनाना है, शांति बनाए रखें प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें, इतनी जल्दी होगा नहीं ये सवाल, टाइम लगेगा, प्लीज बेयर विद मी। चार लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, और आपको इससे लेटर उठाना है। ध्यान से जरा एक बार देख लो, पहले इसे ना अलग अलग स्प्लिट कर दो, देखो इसमें देखो तीन बार ई दिख रहे होंगे तो तीन बार ई अलग कर लो, फिर देखो दो बार आई दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है दो बार, और क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एन दिख रहा है और बी वी दिख रहा है बस, ये देखो ये वर्ड है। तो दुनिया का कोई भी सवाल अगर ऐसा आ जाए तो पहले तो इसकी पहचान वर्ड काफी बड़ा होगा, कम लेटर का वर्ड बनेगा और जो वर्ड होगा उसमें रिपीटेड केस हो रहे होंगे, ठीक है। पेयर बना लो, तीन वाले एक तरफ, दो दो वाले एक ब्लॉक में और सिंगल सिंगल एक ब्लॉक में,
ठीक है, अगर मान लो ई इसमें दो बार आ रहा होता तो वो सॉरी चार बार आ रहा होता, चार वाला एक बनता। जैसे देखो ये सवाल भी आ जाता है एग्जाम में, मुरादाबाद वाला ये रहा, ये सवाल भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, लॉजिक एकदम सेम है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। पहला स्टेप समझ आ गया, इसलिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मैं इसके अंदर टाइम लगाऊंगा, मैं बताऊंगा बहुत धीरे धीरे। पहला स्टेप आ गया समझ, क्या स्टेप बताओ जरा एक बार। जो वर्ड आपको दिया हुआ है उससे पहले ब्रेक कर लो रिपीटेड के उस हिसाब से, तीन बार, हर सवाल में तीन नहीं आएंगे, किसी में चार भी आ सकते हैं, हो सकता है कि तीन आए ही ना, तो शुरुआत यहां से हो जाएगी फिर। ठीक है, चार वाला है तो चार वाला, तीन वाला दो वाला, पांच वाला है तो पांच वाला, इस तरह से पेयर बनाने, हर सवाल बदल जाएगा, लॉजिक सेम लगेगा। ठीक है, रटोगे तो नहीं के तीन से शुरुआत होगी, चार भी तो आ सकता है, कैसे? हाँ आराम से बताऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। देखो ये जरा ध्यान से, अब देखो यहाँ पे केस बनेंगे, केस वन भाई, केस बनेंगे यहाँ पे, चार लेटर का वर्ड बनाना है मुझे, चार लेटर का, हो सकता है तीन अलाइक हो जाए, तीन उसके अंदर एक जैसे हो, एंड वन डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट एक अलग हो, तो देखो चार लेटर का ब्लॉक बन जाएगा, एक दो तीन चार, और वर्ड बन के आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तीन तो ई आएंगे, क्योंकि देखो बोला हुआ है तीन एक जैसे, तीन तो ई आएंगे, और एक कोई भी आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, एक एक आई निकल के आ सकता है इसमें से, एक एफ आ सकता है इसमें से, कोई मतलब मर्जी है, कोई भी आ जाए, एक बार में एक ही आएगा, लेकिन तीन ई तो फिक्स है, एक केस तो हो सकता है ये। नहीं समझ पा रहे हो? टाइम लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं ये सवाल तुम्हारे दिमाग में सेट करके आज भेजूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। अच्छा केस टू, कैलकुलेशन अभी देखेंगे, पहले केस समझ लो, केस समझो बेटा, इधर देखो, केस देखो टू, हो सकता है टू अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक ऑफ अदर काइंड, बोलो यस और नो। यस सर। इसका मतलब चार का वो बनेगा पहले तो ब्लॉक, एक दो तीन चार, हो सकता है दो एक जैसे हो और दो एक जैसे हो, जैसे दो आ गए ई और दो आ गए आई, या दो आ गए एफ दो आ गए आई, या दो आ गए एफ दो आ गए ई, मतलब या तो ये पूरा पेयर आएगा या ये पेयर, या इसमें से केवल दो। लैंग्वेज देखो यहाँ पे लैंग्वेज, और वर्ड बन के हो जाएगा तैयार। ऐसा केस हो सकता है, हर सवाल में ये केस बदल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस, या यही रहेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस कि यहां पे क्या खेल है। केस थर्ड ले लो, कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे, आराम से टाइम लगाओ, जल्दबाजी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। हो सकता है दो अलाइक हो एंड टू डिस्टिंक्ट हो, टू डिस्टिंक्ट ऐसा हो सकता है, चार का ब्लॉक बनेगा, एक दो तीन चार, दो तो हो एक जैसे और दो हो अलग अलग, मतलब दो जगह पर या तो भर जाए आई आई, बाकी दो कोई और हो जाए, एक सी एक एफ एक, या भर जाए एफ एफ, बाकी कोई एक एक जगह आई आ जाए, एक जगह सी आ जाए। आई आ जाएगा मतलब दो आई नहीं आएंगे, एक ही आई, सिंगल आई, तो दो एक जैसे और दो कोई अलग। नहीं समझे? अच्छा और क्या हो सकता है केस फोर? अच्छा हर सवाल में फिक्स केस बनेंगे या बदलते रहेंगे? लॉजिक लेकिन सेम रहेगा। केस फोर, केस फोर ये हो सकता है फोर डिस्टिंक्ट, फोर डिस्टिंक्ट, चारों लेटर अलग अलग हो, एक दो तीन चार, हो सकता है एक ई हो, ई कितने यहां पे तीन, केवल एक ई ले लूं मैं, केवल एक आई ले लू, एक आई सिर्फ, और एक सी ले लू और एक एफ ले लू, वर्ड बन जाएगा, या एक सी एक आई एक एन एक वी, वर्ड बन जाएगा, है ना, कोई से भी कॉम्बिनेशन। आया समझ? अब ये बताओ ये सवाल कॉम्बिनेशन का है या परमुटेशन का है या दोनों का मिक्स है? दोनों का मिक्स है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन भी होगा और अरेंजमेंट जंबलिंग भी होगी। बाप है बाप, क्या है बाप, है ना? पापा नमस्ते, आओ चालू करें सवाल को। आप पहले लॉजिक बताओ, समझ आए कि नहीं आए? बहुत टाइम है, अरे बहुत टाइम है भाई के पास। ठीक है बताओ जरा कैसे कैसे होगा, आखिरी सवाल है, थैंक यू बच्चों के पास, तो मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा। बताओ जरा कैसे कैसे हुआ, तीन एक जैसे एक अलग,
दो एक जैसे, दो एक जैसे, एक दो अलग वाले एक जैसे और दो अलग वाले एक जैसे, फिर दो एक जैसे दो अलग और फिर चार अलग। हर सवाल में चार ही केस बनेंगे या केस बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं? क्योंकि इसके हिसाब से केस बढ़ेंगे या घटेंगे। आ गया, कैलकुलेशन पे आ रहा हूं। यस, अलर्ट रहना जरा। देखो तीन एक जैसे, तो देखो तीन वाला एक ही तो पेयर है, तो ये एक पेयर है, तीन वाला एक पेयर। देखो इधर देखना जरा, समझ नहीं आएगा वरना। तीन वाला एक ही तो पेयर है भाई, तीन वाला एक पेयर है। देखो ये एक पेयर है, ये पेयर कितने है? दो। ये पेयर कितना है? एक। और ये नंबर कितने है? चार पेयर है ये। दो पेयर का मतलब दो दूनी चार, एक पेयर का, एक पेयर का मतलब थ्री वन जा थ्री, ये तीन वाला एक पेयर है। मुझे तीन लेटर एक जैसे चाहिए, तो उसका मतलब मैं इसको उठाऊंगा तो एक पेयर पूरा का पूरा आ जाएगा। देखो वन सी वन, वन सी वन, ये तो मैं दिख रहा है वन सी वन, लेकिन इसका मतलब तीन है, ये एक यूनिट है, ये क्या एक, तो जब ये आएगी तो तीन जगह भर जाएंगी, इसके आते ही तीन जगह भर जाएंगी। कौन कौन सी हमें नहीं पता, वो तो अरेंजमेंट फैक्टोरियल करेगा। क्या करेगा वो? फैक्टोरियल। ये वन सी वन तुम्हें समझ में आ रहा है? वन सी वन का मतलब ये तीन वाला एक पेयर है। देखो ये तीन वाला एक पेयर है, एक तो एक पेयर था, मैंने एक का एक पूरा उठा लिया और तीन जगह भर गई। अगर मान लो तीन वाले दो पेयर होते तीन तीन के, तो मैं यहां दो लिखता, टू सी वन। क्या लिखता मैं यहां? कि दो दो पेयर हैं, तीन तीन वाले, मैं केवल एक उठाता। अभी एक ही पेयर, तो एक में से एक उठा लिया। एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी मेरे हाथ में कितने लेटर आए हैं? एक नहीं तीन आ गए मेरे हाथ में। कितने लेटर आ चुके? तीन। लेकिन मैंने तो एक लिखा है, एक ही लिखा है, वो तीन का एक पेयर है, वो तीन का एक पेयर है, तो मेरे हाथ में तीन लेटर आ गए। अब मुझे एक लेटर और भरना है, कौन सा? एक दो तीन चार, इन दोनों में से कोई एक ले लो। पांच, इन दोनों में से कोई एक ले लो। छह, छह में से कोई एक और ले लो। ये क्यों मैंने काउंट कर लिए? अरे इसने ये लिखा है कि तीन लेटर एक जैसे, तो तीन जगह तो ई आएगा, एक जगह हो सकता है सिंगल आई आ जाए, एक ही तो आ रहा है, वर्ड बन गया, हो सकता है सिंगल एफ आ जाए, तो इनमें से सिंगल सिंगल आ सकते हैं। तो इसलिए एक दो तीन चार, एक इसमें से पांच, एक इसमें से छह, छह में से कोई सा भी एक ले लिया। अब बताओ इस केस के हिसाब से आपके हाथ में कितने लेटर आ गए? चार। चार कैसे आ गए? ये तीन लेटर तो ई आ गए और एक कोई और एक आ गया, चार आ गए। चार जगह भर दो, एक दो तीन चार भरो, चार फैक्टोरियल, अरेंजमेंट हो गया। ये क्या हो गया? अरेंजमेंट अपॉन में रिपीटेड, तीन फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसमें तीन ई घूम रहे हैं, इसमें तीन ई घूम रहे हैं। सॉल्व करके जो भी आएगा, ये सी वाई एस है, जो भी आएगा निकाल लेना, ये पहला आंसर है। निकाल लोगे? चारों केस जब निकल जाएंगे जोड़ देना, आपका आंसर 1442 आएगा। अब बताओ सवाल को सीखने में समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? समय लगता है भाई, समय लगता है, समय लगता है, असली चीज सीखने में समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये बोल रहा है दो एक जैसे और दो एक जैसे, बनाओ जी वर्ड बनाते हैं जरा। दो एक जैसे, हो सकता है दो एफ आ जाए, दो आई आ जाए और दो ई आ जाए। देखो ई यहां पर है कितने? तीन। लेकिन मैं दो ई तो ले सकता हूं, अगर मैं दो ई ले लूंगा तो क्या होगा? पेयर बन जाएगा ना, दो एक जैसे और दो एक जैसे, तो एक एक दो, और इसको भी ना दो ई वाला तीन पेयर मान के चलो। तीन पेयर क्यों मानोगे? जवाब दो। दो एफ मतलब एफ एफ का एक पेयर, आई आई का और ई तीन है, लेकिन तो आप एक बार में दो ही लो, तो ई ई का, तो आपके पास तीन हुआ है। तीन में से कोई से दो ले लो, तीन में से कोई से दो। आपके हाथ में दो आए या चार लेटर आ गए? चार क्यों आ गए? पेयर की बात हो रही है, पेयर लिए हमने, तीन में से कोई से दो पेयर आ गए, चार लेटर आ गए। भरो इन जगह को, भरने के लिए अरेंजमेंट अपॉन में रिपीटेड, दो एक जैसे आए थे और दो एक जैसे आए थे, दो एक जैसे आए थे और दो नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बताऊं, मैं रब कर देखो, दोबारा बता दूंगा रब करके, ठीक है? सॉल्व कर, क्या कह रहे हो अब? तो समझ नहीं भी आएगा तो अभी बोलेंगे आ गया समझ। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं वैसे भी इसे डिलीट कर दूंगा और दोबारा बताऊंगा, ठीक है? पहले मैं बता दूं एक बार, ठीक है? मुझे तो मजा आ रहा है, आगे देखते हैं। यस, अगला केस, आंसर इसका आप निकाल लेना, ये रिपीट वाला तो खेल आ रहा होगा समझ में। अगला केस देखो, ये बोल रहा है दो एक जैसे और दो अलग, दो एक जैसे और दो, तो दो एक जैसे, दो एक जैसे का मतलब है दो बॉक्स एक जैसे भरने, ये दो बॉक्स एक जैसे और दो जगह अलग अलग आएंगे। तो एक जैसे वाले पेयर हमारे पास है कितने? एक दो तीन। तीन क्यों गिन रहा हूं, यहां तो दो ही लिखा हुआ है,
दो ई आ सकते हैं। तो देखो जरा ऐसे आएगा इसका, तीन में से कोई एक लूंगा, एक क्यों लूंगा, एक पेयर लूंगा तो दो लेटर आएंगे, एक पेयर लूंगा तो दो लेटर आएंगे, दो जगह भर गई। अभी मुझे दो जगह और भरनी है, देखो एक दो तीन चार, चार यार इन तीनों में से एक बार में एक ही पेयर तो इस्तेमाल हुआ होगा। अगर आई इस्तेमाल, अगर आई आई इस्तेमाल हो गया तो एक जगह सिंगल एफ तो आई सकता है, एक जगह सिंगल ई तो आई सकता है। नहीं नहीं समझ में आई, दोबारा बताऊं मैं ये बोल रहा हूं कि यार अगर एक जगह, सुनो अगर एक जगह, अगर एक जगह एक पेयर आ गया, मान लो एफ एफ आ गया, मान लो एफ एफ आ गया, तो यार जब एफ एफ आ गया तो दूसरी जगह एक सिंगल आई भी तो आ सकता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे ये दो अलग अलग जो वाले हैं, जो एक दो तीन चार, एक इसमें से पांच और एक इसमें से छह, एक का मतलब जो भी यूज हो गया उसे छोड़कर कोई और। तो देखो छह में से कोई से दो और आ गए, ये आपके हाथ में तीन लेटर आए कि चार आए, यहां तो तीन दिख रहे हैं। दोबारा बताता हूं ये एक नहीं है, एक्चुअली दो लेटर है, ये सिलेक्शन है। अब अरेंजमेंट कर दो, चार फैक्टोरियल अपॉन में रिपीट वाला एक आएगा बस, क्योंकि ये जो है ना पेयर ये रिपीट हो रहा है, हो जाएगा सॉल्व होके जो भी आएगा वो आंसर है। अभी मैं इसके आंसर भी निकालूंगा, निकाल दोगे? लास्ट केस रह गया, लास्ट केस बोल रहे चारों अलग आ जाए, चारों तो एक दो तीन चार, इसमें से एक लो, पांच इसमें से कोई एक, छह इसमें से कोई एक, सात, सात में से कोई से चार, और यहाँ पे चार फैक्टोरियल, जो भी आएगा आ जाएगा। इन सारे आंसरों को जब तुम जोड़ दोगे ना, इन सारे आंसरों को जब तुम जोड़ दोगे ऐसे, इक्वेशन वन आराम से देखो, इक्वेशन टू आराम से देखो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर, जब आंसर को तुम जोड़ोगे 1400 कितना है अभी 22 आंसर है। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? आई एम डेड, स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल खुद करना है, ठीक है, करना जरूर, ओके, आंसर निकालना। इसके बाद आपका फेवरेट पेज आ गया, थैंक यू बच्चों, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।